अबाउट बाइसिंग ऑफ ए डायोड, राइट? और मैंने जस्ट नाउ कहा कि डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे कहते करते हैं और डायोड को रिवर्स बायस कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ ए डायोड, वी आर गोइंग टू यूज़ ए पीएन जंक्शन एंड ट्राई टू रेक्टिफाई समथिंग, एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर रेक्टिफाई मतलब कुछ बदलना, कुछ इंप्रूव करना, राइट? तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट का आप क्या इंप्रूव करना चाहते हैं? तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक पहचान क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो कि ऑल्टर करते रहता है, बदलते रहता है, राइट? और सेकेंडली उसका डायरेक्शन जो है वो भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। इनफैक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट का मेन जो डिफाइनिंग फीचर है वो ये है कि वो अपना डायरेक्शन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या कर लेता है, ऑल्टर कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। तो हम इन दिस केस एक ऑल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन को रेक्टिफाई करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, रेक्टिफाई, बदलना चाहेंगे। बदलना मतलब यूनी डायरेक्शन देना चाहेंगे, एक सिंगल डायरेक्शन, राइट? एंड दैट विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग डायोड, डायोड यूज करके करेंगे, ठीक है? अभी ध्यान से देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है, एकदम सिंपल है, मज़ा आएगा सुन के। तो यहाँ पर हमारे पास एक एसी सोर्स है, एंड एसी सोर्स प्रोवाइड्स ए पल्सेटिंग वोल्टेज। व्हाट इज अ पल्सेटिंग वोल्टेज? पल्सेस जैसा है, पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है, राइट? अच्छा, अभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर आपने ये क्या बना के रखा है? एसी पढ़ा था ना, ट्रांसफार्मर, राइट? तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है। और ट्रांसफार्मर का नाम ट्रांसफार्मर क्यों दिया जाता है उसको? बिकॉज वो क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्राइमरी सोर्स है और इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स के थ्रू तुमको जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसमें तुम कन्वर्ट कर लोगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर वोल्टेज तुमने अप्लाई किया और वो वोल्टेज तुमने इसको यहाँ पर फीड किया, जितना वोल्टेज तुमको चाहिए, रिक्वायर्ड वोल्टेज। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड वोल्टेज को प्लॉट करके रखा कि फाइनली ये जो सेकेंड वाला सर्किट तुमको दिख रहा है इसको तुमने कितना वोल्टेज खिलाया, मतलब ये जो हमने वोल्टेज का ग्राफ बनाया है, दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी, मतलब VC माइनस VD इज दैट ग्राफ। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया वो ये ग्राफ है। और तुमको ये भी पता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह को कुछ वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू देना चाहते हैं तो हम एक रेफरेंस चूज कर सकते हैं, राइट? तो मैं तुमको एक छोटा सा तरीका बोलूंगा समझने का, सोचने का, दैट विल मेक दिस डिस्कशन वेरी इजी, ठीक है ना? तो हम ये मानते हैं कि मुझे पता है कि VC माइनस VD इज दिस ग्राफ, राइट? द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस ग्राफ। तो लेट अस अज्यूम दैट VD इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, VD इज इक्वल टू जीरो। VC माइनस VD इज दिस ग्राफ, VD अगर जीरो होगा तो VC की यहां पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा VC VD, VC का वैल्यू ये वाला वैल्यू होगा, VC का वैल्यू जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिकली ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये तुम सोच सकते हो ऐसा कि चलो मैं अगर डी पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मानता हूँ तो मैं जो भी वोल्टेज फीड कर रहा हूँ वो किसको फीड कर रहा हूँ, सी को फीड कर रहा हूँ। ऐसे सोचोगे ना तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो बात को समझो। देखो ये भूलो मत कि दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, राइट? एंड हमको ये पता है कि पी साइड को जब हम पॉजिटिव वोल्टेज फीड करते हैं तब ये डायोड एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, मैं फिर से एक छोटा सा चीज़ फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, एक डायोड का स्पेशलिटी क्या था? लास्ट क्लास के लास्ट सेक्शन में मैंने ये डिस्कस किया था कि डायोड का स्पेशलिटी इस पे है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को बहुत आसानी से कंडक्ट करने देता है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, याद है ना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कट इन वोल्टेज या हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, याद है 0.7 वोल्ट, राइट? उतना वोल्टेज अगर तुम सेक्रीफाइस कर लोगे तो धराधर वो करंट अपने थ्रू फ्लो करने दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, 70-80 के बाद तो डायोड ही खराब हो जाता है, लेकिन 60-70 में क्या होता है, अच्छा खासा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाते और करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं करते, राइट? सो डायोड का स्पेशलिटी ये है कि अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशंस वो बढ़िया कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, एंड रिवर्स बायस कंडीशंस में वो एक अच्छा रेजिस्टर जैसा बिहेव करता है। इट विल ओनली अलाउ करंट टू फ्लो अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट हाफ, लेट अस से 0 से लेकर T1 टाइम तक हमने क्या माना कि यही जो वोल्टेज है हम सी को फीड कर रहे हैं, बिकॉज डी वाले वोल्टेज को हमने जीरो मान कर रखा है,
राइट, तो वो पॉजिटिव पल्स है ना, दैट वोल्टेज इज पॉजिटिव, कम ऑन। अगर ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो बी सी के यहाँ पर मैं पॉजिटिव वोल्टेज इमेजिन कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव इमेजिन किया, पी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर मैं पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज फीड करता हूँ तो व्हाट विल आई से अबाउट द बायसिंग कंडीशन ऑफ दिस डायट, इज इट फॉरवर्ड बायस्ड और इज इट रिवर्स बायस्ड? इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, पी को पी के साथ, एन को एन के साथ, मतलब ये करंट क्या करेगा अभी, कंडक्ट करेगा। तो फॉर जीरो टू टी वन ध्यान से देखना, दिस डायट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड और ये करंट फ्लो करना चालू करता है इसके थ्रू, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। अच्छा ये आर क्या है, इसको हम लोड बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, और ये जो है ये हमारा आउटपुट है, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हमको मिलेगा उसको हमने यहाँ पर आउटपुट में प्लॉट किया है। जो लोड रेजिस्टेंस है आर, इसके थ्रू आई करंट फ्लो करेगा, कितना वोल्टेज चेंज आएगा आई आर, उसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया, दैट इज द आउटपुट। कल्याण तू यहाँ पर भी आके सो रहा है, हाँ, इज दैट क्लियर, पक्का समझ में मैंने क्या कहा? ओके फाइन, सो इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है, जीरो से लेकर टी वन तक वी सी वाला वोल्टेज पॉजिटिव है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, करंट फ्लो कर जाएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा एंड वी शैल गेट एन आउटपुट। बट व्हेन यू फीड दिस सेकेंड हाफ साइकिल फ्रॉम टी वन टू टी टू, ये वाला हाफ साइकिल, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, कमॉन चल, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज अगर नेगेटिव है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर ये नेगेटिव है, सो व्हाट हैज हैपेंड टू द डायोड इन दिस केस नाउ, तुमने एक पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा, तो पी साइड में तो होल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, उसको अगर तुमने नेगेटिव पोटेंशियल दे के रखा, क्या होल्स आगे जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे? सो ऐसे केस हम कहते हैं कि डायोड क्या है, डायोड इज रिवर्स बायस, इट ऑफर्स ह्यूज रेजिस्टेंस, द करंट इज नेग्लिजिबल और इसके अक्रॉस तुमको कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलने वाला। तो ध्यान से देखो, जीरो टू टी वन के अक्रॉस तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिल गया, लेकिन टी वन से टी टू के अक्रॉस देर इज नो करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, देर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द रजिस्टर और इसके अक्रॉस तुमको कोई पोटेंशियल मिला नहीं। सिद्धित तूने वीडियो देखा था तो आज तो कुछ समझ नहीं आएगा तेरे को, हाँ, फॉर बायस रिवर्सिंग बायस फंसेगा पूरा, तो समझ में नहीं आएगा याद ही तो रखना है, बोले हीरो बन रहा है तो प्लीज, तो हीरो मत बन, शांति से जो बोलता हूँ वैसे करना, समझ में आया, देख लेना इस वीडियो को जाके अच्छे से। तूने देखा है, कितने लोगों ने देखा है लास्ट वीडियो? अच्छा तुम लोग तो प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे? तू एब्सेंट थी, देखा तूने, तूने देख लिया, तू एब्सेंट क्यों था बोल, ये लोग हंस रहे जो इतना बोल, सिद्धित क्या हुआ इसका? टी टू से लेके टी थ्री तक फिर से पॉजिटिव वोल्टेज फीड किया हमने, इसको पॉजिटिव वोल्टेज अगर फीड किया तो फिर से हमको आउटपुट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? हैव वी रेक्टिफाइड द एसी समवट, समवट इन व्हाट सेंस? बिकॉज अगर मैं आउटपुट को देखूं तो आउटपुट में जो वोल्टेज है उसका डायरेक्शन यूनिक है, एक ही डायरेक्शन है, उसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। बट दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और इस सेटअप को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं एंड आई होप सो यू नो द रीजन फॉर दिस। हाफ वेव बिकॉज फुल वेव को तो वो रेक्टिफाई कर ही नहीं पाया, आधे वेव को ही रेक्टिफाई किया है, वो भी बहुत अच्छे से रेक्टिफाई किया नहीं है, बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन को रेक्टिफाई किया है, मैग्नीट्यूड को तो रेक्टिफाई अब तक नहीं कर पाया, मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है, वेरिंग है। तो इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। इज दैट क्लियर? पॉज करना, रखते तो स्टेबल होगा, तूने लास्ट टाइम जैसे रखा था ना ऐसे स्टेबल, ठीक है तुझे जो ठीक लगे। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वी अंडरस्टूड कि फर्स्ट वाला जो सेटअप था वो सिर्फ आधे वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, अभी का जो सेटअप है इसमें दो डायोड्स यूज़ किया और ये पूरे वेव को रेक्टिफाई करें, लॉजिक वैसा ही है, ध्यान से सुनना, ये अगर ए हुआ ये अगर बी हुआ तो वी ए माइनस वी बी इज दिस इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना, दिस इज इनपुट, मतलब दोनों को माइनस करोगे तो ये मिलेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? ओके, अगर मैं इसको अपना रेफरेंस मानता हूँ, मैं इसको जीरो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि देखो जीरो मेरा चॉइस है, मेरा खुद का चॉइस है, ये बात समझ में आता नहीं आता, अभी मैं अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन, ताकि हमारा समझना आसान हो उस हिसाब से हम सोचेंगे, राइट? तो अगर मैं पॉजिटिव पल्स फीड करता हूँ तो मैं मानूंगा कि इस वाले एंड का पोटेंशियल पॉजिटिव है और इस वाले एंड का पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। बोलो ये समझ में आता नहीं आता? अगर मैं वो पॉजिटिव पल्स इस सर्किट को फीड करता हूँ तो मैं ए वाले पॉइंट के साथ पोटेंशियल पॉजिटिव दूंगा और बी वाले पोटेंशियल के पास में नेगेटिव लिख दूंगा, बिकॉज वी ए माइनस वी बी हैज टू बी पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है,
माइनस ऑफ वीबी, वीबी खुद नेगेटिव है, माइनस माइनस क्यों हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव ही आएगा। सर आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, आसान होगा समझना इसमें, इट विल बी वेरी इजी टू यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। समझ में आया कैसे कैसे बोलूंगा, क्लियर है? जब नेगेटिव पल्स आएगा तो क्या बोलूंगा, फिर नेगेटिव पल्स विल कम, तो मैं बोलूंगा ए का वैल्यू नेगेटिव है और बी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। खुद सोच के देखो, सोचो ये माइनस फाइव, इस जगह का पोटेंशियल प्लस फाइव, डिफरेंस कितना आएगा, माइनस फाइव माइनस ऑफ फाइव कितना आएगा माइनस टेन, आया नेगेटिव पल्स, ऐसे समझेंगे ठीक है। अच्छा बहुत बहुत सिंपल, वी ऑलरेडी नो कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स कैसे काम करता है, हमको जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उतना हम इसको फीड कर देंगे, वाइंडिंग्स इट विल टेक केयर ऑफ इट, इज दैट क्लियर? ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ पल्स दैट इज पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव है एंड बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है नेगेटिव। मैंने तुमको लास्ट क्लास में सिखाया था, फिर से बता रहा हूँ, ये पी साइड है, पी साइड को अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव पी साइड को इधर धक्का देगा। सो दिस डायोड डी वन इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस्ड, एंड डायोड डी टू इज रिवर्स्ड बायस्ड, बिकॉज ये पी साइड है और यहाँ पर तुमने नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट करके रखा, नेगेटिव होल्स को आगे जाने देगा ही नहीं, पीछे खींच के रखेगा। तो ये जो डायोड डी टू है ये क्या है, दिस इज रिवर्स्ड बायस्ड और इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ डायोड डी वन के थ्रू करंट फ्लो करेगा, कब, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है ना। उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है, ध्यान से देखना, जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने किसके अक्रॉस कनेक्ट किया, बिटवीन द सेंटर ऑफ द वाइंडिंग एंड दिस साइड, ये लोड रेजिस्टेंस है, इससे हम आउटपुट निकाल रहे हैं, आउटपुट मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी आवर आउटपुट। खुद सोच के देखो, जब ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट इसके थ्रू किधर फ्लो कर रहा है, ए बी लगा से सी टू डी, इज दैट क्लियर, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी राइट, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे कुछ ऐसा, करेक्ट। तो पहला हाफ पल्स का कहानी खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन। अच्छा सेकेंड सिचुएशन में जो इनपुट पल्स है वो क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ए वाले जगह का पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे नेगेटिव और बी वाले जगह के पोटेंशियल को हम क्या मान लेंगे पॉजिटिव। तो ए जो है दैट इज नेगेटिव एंड बी जो है उसके अक्रॉस हमने क्या मान लिया पॉजिटिव मान लिया, एंड द सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट डी वन इन दिस केस विल बी रिवर्स बायस्ड बट डी टू इन दिस केस विल बी व्हाट, फॉरवर्ड बायस्ड, समझ रही है ना, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो इसके थ्रू करंट फ्लो करना चालू करेगा, इज दैट क्लियर। नाउ इन द सेकंड पल्स दिस डायोड विल कंडक्ट, ध्यान से देखो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, करंट इस तरफ जाएगा और जब रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा फिर से सी टू डी ही जा रहा है, फिर से सी टू डी ही जा रहा है। फर्स्ट केस में जैसे सी टू डी जा रहा था, इस केस में भी क्या है सी टू डी ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल का डायरेक्शन सेम हुआ ही नहीं हुआ, पोटेंशियल का डायरेक्शन सेम हुआ ही नहीं हुआ, बात समझ में आया। तो नेक्स्ट केस में देखो, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब भी हमको ऐसा ही आउटपुट मिले, नेगेटिव हाफ साइकिल में डी टू एक्टिवेट हो जाएगा, डी वन डॉर्मेंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में डी वन एक्टिवेट हो जाएगा, डी टू फिर से क्या हो जाएगा डॉर्मेंट हो जाएगा, एंड विल गेट ए रिजल्ट लाइक दिस, क्लियर। तो हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इज दैट क्लियर। लेकिन even though we have rectified that AC input and we have converted into a DC current, but this is a variable DC. Do you agree with this? Because it fluctuate kar raha hai bahut zyada. Direction no doubt constant bana diya humne, unique direction de diya, but still and it is what? Fluctuating. Kuch samajh mein aa raha hai main kya kar raha hu? Are you getting the point? To isko aur thoda improve karne ke liye, hum jo output hai na, uske across ek capacitor laga ke rakhte hain. Isko hum capacitor filter bhi bolte hain. वो क्या फिल्टर करता है, फ्लक्चुएशंस को फिल्टर कर देता है। इसका भी बहुत प्यारा सा आइडिया, अगर तुम ढंग से समझोगे ना, अगर तुमने यू नो सीआर सर्किट का चार्जिंग अगर तुमको याद है, सीआर सर्किट का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो उसी पे ही ये कंसेप्ट बेस्ड है। तुम लोग हो ना मेरे साथ, अरे देर विद मी, अनुराग समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का हाँ, तो पॉज करे तो बोलना, मेरे को भी पूछ, इधर ध्यान से सुनना। अच्छा तू बीच में टैप कर रही है ना, ओके ध्यान से सुना। लेकिन कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, याद है ये चीज़, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। डू एग्री विद दिस?
अभी ध्यान से सुनना, हम ये जो आउटपुट निकाल रहे हैं वो रजिस्टर के अक्रॉस नहीं निकाल रहे, वो हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। बात समझ में आया? एक हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, नॉट एक हाफ साइकिल, बोलना गलत है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मगर इस वोल्टेज को देखो, दिस वॉज द आउटपुट वोल्टेज, हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते, इसका मैग्नीट्यूड को लेस फ्लक्चुएटिंग बनाना चाहते, इज दैट क्लियर? तो देखो सीन क्या है, लेट अस से देयर इज अ टाइम जहाँ पर ये रजिस्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज होगा। चलो मैंने मान लिया कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बाद का कहानी बता रहा हूँ, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, राइट? उसके बाद ध्यान से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपेसिटर को वोल्टेज फीड करने वाला कौन है, हु फीड्स वोल्टेज टू द कैपेसिटर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और रजिस्टर के अक्रॉस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। डू यू एग्री विद दिस? श्रीता, कोई प्रॉब्लम? रजिस्टर के अक्रॉस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी मैं यही पोटेंशियल डिफरेंस फीड कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ। क्या कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमको आउटपुट मिलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्या वो यही मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? लेट अस से द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, अब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुँच गया। अभी लेट अस से इस रजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो जीरो हो जाएगा, इमीडिएटली जीरो हो जाएगा, मतलब फटाफट जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को इंस्टेंटली डिसिपेट करने नहीं देता। याद है ना डिस्चार्जिंग का फंडा क्या था, कैपेसिटर टेक्स थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम टू डिस्चार्ज, इज दैट क्लियर? और वो कितना जल्दी डिस्चार्ज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो टाउ पे डिपेंड करता है। टाउ, टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट, टाउ इज रिप्रेजेंट्स दैट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन 63% ऑफ द चार्ज इन द कैपेसिटर डिकेज। बात समझ में आया? तो टाउ का वैल्यू अगर बड़ा कर दोगे, टाउ इज द अमाउंट ऑफ टाइम, तो डीके होने में टाइम क्या लगेगा, बड़ा ज़्यादा लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर सी। तो अगर बड़ा सी ले लो, एक इफ आई टेक ए वेरी हाई कैपेसिटर वाला कैपेसिटर, ठीक है, तो टाउ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? सो इवन दो देखो रजिस्टर के अक्रॉस में यहाँ पर बना था, यहाँ से बना, तो लेट अस से कैपेसिटर इज यू नो फुल्ली चार्ज ना, इन दिस केस ये जो फीडिंग वोल्टेज है रजिस्टर, ये वाला वोल्टेज फीड कर रहा है, देखो ये 100 से जीरो पहुंच गया, रजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 100 से जीरो पहुंच गया। रजिस्टर के अक्रॉस जब 100 था, इसका भी 100 था, जितने टाइम में रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 100 टू जीरो पहुंचेगा, उतने टाइम में कैपेसिटर का वोल्टेज 100 से सिर्फ 90 तक ही पहुंच पाएगा, बिकॉज उसको डिके करने में, डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? तो उतने टाइम में, जितने टाइम में रजिस्टर का वोल्टेज जीरो तक पहुंच गया, 100 से जीरो, मैं बस नंबर लेके समझा रहा हूँ, उतने टाइम में कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल 100 से कहाँ तक पहुँचेगा, 90 तक। इज दैट क्लियर? उसके बाद रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज फिर से क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। सो इट विल हैपन विद द कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल अगेन गेट चार्ज, उसका पोटेंशियल फिर से क्या होगा, राइज कर जाएगा, तो इसके बाद और फॉल नहीं करेगा, फिर से ऊपर चढ़ेगा। ऐसा कुछ हो सकता है फुल्ली चार्ज ना हो, इट ऑल्सो टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू चार्ज, मैं बस फ्लक्चुएशन का बात कर रहा हूँ। पहले 100 टू 0, 0 टू 100 का फ्लक्चुएशन था, अभी कैसा होगा, 100 टू 90, 90 से फिर 100, या 100 ना होने से भी 90 से 90 से एटलीस्ट 95 तो हो गए, समझ में आया? तो 90 से फिर ऊपर तक जाएगा, जब ये पोटेंशियल फिर से 100 से 0 तक पहुंच जाएगा, उतने टाइम में वो यहां से यहां तक ही उतरेगा सर, फिर राइज करेगा तो ऊपर चलेगा, फिर उतरेगा तो ऐसा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? राइट? सो मैंने यहाँ पर फाइनली क्या कर लिया, इसके मैग्नीट्यूड के फ्लक्चुएशन को थोड़ा बहुत अरेस्ट कर लिया, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर, एंड बाय यूजिंग ए कैपेसिटिव फिल्टर ऑफ हाई कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, चलो पॉज करो। ओके, अभी एक बात बताओ कि what will happen to a diode if I keep on increasing the reverse biasing voltage? मैंने ये पढ़ाया था, अगर एक डायोड में मैं रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ तो होगा क्या? वेरी सिंपली सेड, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज। और अगर हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इसका विड्थ जो है वो बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और एक वक्त आएगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होगा कि उस रीजन में, कौन सा रीजन, डिप्लीशन लेयर में, डिप्लीशन लेयर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच के
तोड़ के बॉन्ड्स को निकाल के लेके आ जाएगा. एंड इट विल रिजल्ट इन द जनरेशन व्हाट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड सडनली देयर विल बी ह्यूज राइज ऑफ करंट इन द सर्किट. बात समझ में आई, विच इज शोन बाय दिस ग्राफ. इसका और एक अच्छा ग्राफ मैंने बनाया था, 80-90 वोल्ट अराउंड में, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि क्या होता है 90 वोल्ट अराउंड में ब्रेक डाउन आ जाता है जनरेटर डायोड, सॉरी रिवर्स बायसिंग डायोड. ब्रेक डाउन इन द सेंस कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है कि बॉन्ड से टूट जाता है. एंड सडनली डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स रीजेनरेट हो जाता है एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. तो ध्यान से देखो, करंट बहुत स्टीपली राइज करता है और करंट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो डायोड गर्म होकर जल ही जाता है, ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है. बात समझ में आया. तो अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस नॉर्मली सेमीकंडक्टर डायोड्स जिंदा नहीं रह पाते, खराब हो जाते. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड बनाया गया, एक स्पेशल काइंड ऑफ डायोड बनाया गया विच कैन फंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस. और इस डायोड का नाम क्या दिया गया? जर्नर डायोड, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द इन्वर्टर ऑफ द इन्वेंटर. इज दैट क्लियर? जर्नर के नाम पर. तो देखो ऐसा है, हमको पता है कि नॉर्मली डायोड्स क्या हो जाएगा, डायोड्स अगर रिवर्स बायस्ड है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा और वो ख़राब हो जाएगा. तो जर्नर डायोड को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ख़राब ना हो. एंड जर्नर डायोड इज़ बेसिकली यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर इसका जवाब ढूंढना चाहोगे ना तो तुमको इस ग्राफ से मिल जाएगा. ध्यान से, तो करंट बहुत स्टीपली राइज करता है बट जर्नर डायोड के अक्रॉस का जो ये पोटेंशियल है, दिख रहा है ये पोटेंशियल, इट इज नॉट चेंज. बात समझ में आया? एक बार अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, इवन दो तुम्हारे सर्किट में करंट बढ़ जाए, लेकिन जर्नर डायोड के अक्रॉस तुमको जो वोल्टेज चेंज मिलेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी ए कॉन्स्टेंट. सो दैट इज द रीजन हम जर्नर डायोड को वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं. करंट बढ़ जाए सर्किट में लेकिन वोल्टेज हमको क्या मिला है? कॉन्स्टेंट मिला. मैं दिखाऊंगा इसको अचीव कैसे किया जाता है, बट ये समझ में आया ना मैंने क्या कहा? जर्नर डायोड इज ए स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड विच इज बेसिकली एंड प्राइमरीली मेड टू फंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस. अंडर सच कंडीशंस नॉर्मल डायोड्स विल गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड. क्या हुआ? क्या कुछ सपना देख रहे हैं तुम? इज दैट क्लियर? ओके. सो इन दिस केस ध्यान से देखो, उसका सिंबल लेकिन थोड़ा सा अलग है. सिंबल कैसा है? ऐसा नॉर्मली डायोड में क्या होता है? सीधा होता है. और जर्नर डायोड में ऐसे करके दिखाना पड़ता है. ये ग्राफ तो मैंने पहले भी दिखा दिया था. इज दैट क्लियर? अच्छा अभी देखो, दिस इज ए सर्किट वेर वी आर यूजिंग ए जर्नर डायोड टू रेगुलेट द वोल्टेज. ठीक है, अभी ध्यान से देखना. हमको ये पता है कि अगर जर्नर डायोड जिस सर्किट में है उसमें करंट अगर मैं अलाउ कर दूँ कि बहुत ज़्यादा फ्लो करो तो क्या होगा? डायोड तो फाइनली ख़राब हो जाएगा. तो हमको जर्नर डायोड को बचा के रखने के लिए जर्नर डायोड के रास्ते में एक रेजिस्टर तो लगाना ही पड़ेगा, आर, विच विल लिमिट द करंट इन द सर्किट. बात समझ में? इस जर्नर डायोड को बचाने के लिए हमने क्या किया? एक रेजिस्टर लगा के रखा विच विल ट्राई टू लिमिट द करंट इन द सर्किट, राइट? और ये जो दो तुमको इनपुट टर्मिनल दिख रहे हैं, इसके थ्रू हम एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज दे रहे हैं. अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब क्या है? एक वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, इट इज ए चेंजिंग वोल्टेज. बात समझ में? बट द वोल्टेज विल बी सच दैट दिस डायोड विल बी अंडर रिवर्स्ड बायस कंडीशंस. इसी जैसा मत सोच लेना कि एक कंडीशन में फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. ऐसा मत समझना. रिवर्स बायसिंग वोल्टेज ही है लेकिन वो वोल्टेज खुद वैरी कर रहा है, कभी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, कभी उसका मैग्नीट्यूड घट जा रहा है. और मैंने क्या कहा कि जर्नर डायोड के अक्रॉस की अगर मैं आउटपुट लेता हूँ, दिख रहा है यहाँ से मैंने एक तार निकाला, यहाँ से एक तार निकाला, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा के रखा. बात समझ में? तो इस जर्नर डायोड के अक्रॉस या इस रेजिस्टर के अक्रॉस, जो कि जर्नर डायोड के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है, हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक रेगुलेटेड वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा जो कि फ्लक्चुएट नहीं कर रहा हो. इज दैट क्लियर? इस अभी हमारे क्लास 12 के स्टडीज में इसको हम सरफेस लेवल पे ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक मैं तुमको दे दूंगा. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जर्नर डायोड कॉन्स्टेंट वोल्टेज क्यों देता है, उसका रीजन मैं तुमको दे चुका हूँ. एक बार रिवर्स बायस कंडीशंस होगा, दिस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक. करंट बहुत ज़्यादा राइज करता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है? कॉन्स्टेंट. इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो, लेट अस सी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा क्या होता है? 10 वोल्ट. मतलब 10 वोल्ट तो बहुत कम ही बोला, चलो 90 वोल्ट लिख दिया. 90 वोल्ट पे करंट क्या हो जाता है? वट एवर बी द करंट जर्नर डायोड के थ्रू कितना भी करंट हो जाए, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 90 वोल्ट ही होगा. इज दैट क्लियर? ये हमेशा 90 हो गया.
फॉर एग्जाम्पल अभी तुमने 200 वोल्ट फीड किया, कितना वोल्टेज फीड किया? 200 वोल्ट। खुद सोच के देखो, अगर तुम ज़्यादा वोल्टेज फीड करोगे तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा और इस रेजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। डू एग्री विद दिस? इफ द वोल्टेज इज हाई, द वोल्टेज दैट यू आर फीडिंग टू द सर्किट इज हाई, लेट अस से 200 वोल्ट, डेफिनेटली द करंट विल ऑल्सो राइज एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर विल ऑल्सो बी हाई, राइट? तो अगर ये 90 है तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा? 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। मोर द वोल्टेज, मैंने 200 फीट किया था फॉर एग्जांपल, 200 फीट किया था, 90 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और 110 इसके अक्रॉस हो रहा है। बात समझ में, मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर? ओके। अभी सेकंड केस में अगर मैं 200 फीट नहीं कर गया, 100 वोल्ट फीट करता हूँ तो क्या होगा? तब भी इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? 90। और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट का ड्रॉप। बिकॉज अगर तुमने वोल्टेज घटा दिया तो करंट भी घट जाएगा, करंट घट जाएगा तो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या हो जाएगा? दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। बात समझ में है? लेकिन इस डायोड के अक्रॉस हमको जो वोल्टेज मिलता है वो हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, रेगुलेटेड वोल्टेज। दिस इज हाउ ए ज़र्नर डायोड फंक्शंस। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके अच्छा, ज़र्नर डायोड को ऐसे बनाया क्यों जाता है? थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन में ध्यान देते, वी ऑलवेज नो दैट देयर इज इट्स बेसिकली पीएन जंक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस पीएन जंक्शन इज वेरी हेवीली डोप्ड। वेरी हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है कि बहुत यहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल एक पीएन जंक्शन से बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल एक पीएन जंक्शन से बहुत ही ज़्यादा है। बात समझ में आया? इज़ दैट क्लियर? और खुद सोच के देखो, जब मैंने रिवर्स बायसिंग कंडीशंस पढ़ाया था ना, तब मैंने बोला था कि नहीं, एक डायोड को रिवर्स बायस करके ख़राब करने में तुमको बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। 80-90 तक अप्लाई किया था, तब जाके उस डायोड में ब्रेकडाउन आया था। लेकिन ज़र्नर डायोड को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसके अंदर ब्रेकडाउन लाने में तुमको ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अराउंड 5 वोल्ट अप्लाई करने से ही, नियर अबाउट 5 वोल्ट अप्लाई करने से ही ज़र्नर डायोड में ब्रेकडाउन आ जाता है। कैसे? देखो, ब्रेकडाउन कराने वाला कौन? ब्रेकडाउन कराने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करता है। तुम बाहर से और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हो? और स्ट्रेंथन करते हो ताकि वो बीच के बॉन्ड्स को, डिप्लीशन लेयर के बॉन्ड्स को तोड़ दे। अगर खुद सोच के देखो, ये फील्ड पहले से ही बहुत स्ट्रांग है तो बाहर से तुमको उसको बहुत कम सपोर्ट देना पड़ेगा, बहुत ही कम सपोर्ट देना पड़ेगा। अभी खुद सोच के देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेशन डाल के। कैसे? खुद सोच के देखो, यहाँ पर बिस्टू चार्ज, यहाँ पर बिस्टू चार्ज, चार्ज कंसंट्रेशन इज वेरी लेस। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो बिस्टू चार्ज होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा? जैसे 10-10, यहाँ से 10 ड्रिफ्ट होकर इधर चला गया, यहाँ से 10 ड्रिफ्ट होकर इधर आ गया, क्योंकि ड्रिफ्ट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे। बात समझ में, मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? पक्का? तो यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्जेस, एंड दे आर बिल्डिंग अप दिस पोटेंशियल बैरियर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अगर मैं इस साइड्स, दोनों साइड्स को हैवीली डोप कर दूँ, सोचो 1000 होल्स है, यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। डू यू एग्री विद दिस? कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, यहाँ पर होल्स 1000 है, यहाँ पर होल्स है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर 1000 होल्स है यहाँ पर, तो कितना ड्रिफ्ट करेगा? एटलीस्ट 100 होल्स ड्रिफ्ट कर जाएगा एज कम्पेयर टू 10 इन द प्रीवियस केस। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और यहाँ पर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कंसंट्रेशन इतना ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस की, इस बार कितना डिफ्यूजन हुआ होगा? 100 इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्ज था, 10 पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहाँ पर डोपिंग बना दिया, कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ गया, तभी यहाँ पर 100 नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर 100 पॉजिटिव चार्जेस है, विच मीन्स इस ये जो अंदर वाले रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द रीजन एक स्पेशल पर्पज डायोड को हम अलग से बनाते हैं, इसका डोपिंग बहुत खतरनाक देते हैं, बहुत ज़्यादा। एज बिकॉज यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज नॉट दैट लार्ज, इट्स वेरी थिन डिप्लीशन लेयर। नहीं है समझ में? यहाँ पर क्राउड चार्जेस का बहुत बड़ा क्राउडिंग है, यहाँ पर भी चार्जेस का बहुत बड़ा क्राउडिंग है, तो बीच का जो डिप्लीशन लेयर होगा उसका विथ कितना होगा? विथ तो बहुत छोटा होगा।
बात समझ में? अगर डाटा पे ध्यान देना चाहोगे तो डिप्लीशन लेयर का जो विथ है पाया जाता है लेस देन 10⁻⁶ मीटर्स, राइट। और डिप्लीशन लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना देखा जाता है, 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन चालू करने के लिए तुमको बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, नियर अबाउट 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अप्लाई कर दोगे मतलब थोड़ा सा पुश कर दोगे और यहाँ पर ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। और इस डायोड को जलने से बचाने के लिए तुम क्या करते हो, उसके रास्ते में एक रेजिस्टर लगा देते हो ताकि ये जल ना जाए बेसिकली, राइट। और इसके अक्रॉस कॉन्स्टेंट वोल्टेज क्यों मिलता है, तुम इससे एक्सप्लेन करोगे, सर ग्राफ देखो, ग्राफ में करंट जितना भी हो लेकिन वोल्टेज हमेशा क्या हो, कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस इज द स्टोरी अबाउट जनरेटर डन।